इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में प्रयागराज में छठे चरण में मतदान होना है 25 तारीख को, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह। क्योंकि गठबंधन ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है जिसमें इलाहाबाद की सीट भी शामिल है। इलाहाबाद की सीट कांग्रेस को दिया गया है और कांग्रेस से ये प्रत्याशी है। उज्जवल रमन जी बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया। धन्यवाद आपका। उज्जवल रमन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहले आप सपा में थे, उसके बाद गठबंधन में ये सीट जो है वो कांग्रेस को दे दी, फिर आप कांग्रेस में शामिल हो गए। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच जो प्रयागराज का मुद्दा है उन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि जो उपेक्षा प्रयागराज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, जिस तरीके से सौतेला व्यवहार प्रयागराज के साथ किया गया है, उसी का जवाब इस चुनाव में जनता बनाम डबल इंजन की सरकार है। हमारा मुद्दा है कि प्रयागराज में जो है एम्स होना चाहिए, प्रयागराज में मेट्रो होना चाहिए, प्रयागराज में इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, और प्रयागराज में जो सरकारी दफ्तरों का पलायन है वो रुकना चाहिए। नैनी का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा नदी में पर्याप्त पानी अविरल धारा होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। और पुरानी पेंशन का मुद्दा कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो जमुना पार में जो पानी की समस्या है, बुंदेलखंड की तरह हमारा ये क्षेत्र है, पानी पीने का या सिंचाई का पानी दोनों का भारी संकट है, जिसमें डबल इंजन की सरकार फेल रही और उन्होंने एक भी योजना परियोजना लाने का काम नहीं किया है। उज्जवल रमन जी, क्योंकि देखिए अगर बात कर ले इलाहाबाद सीट की, तो यहां पर कांग्रेस का इतिहास रहा है 52 से लेकर 71 तक तो एकाएक जीत हासिल की, लेकिन 2004 के बाद कांग्रेस यहां से नदारद नजर आए। इस बार किस तरह की तैयारी आपने की है कि आपको लगता है कि आप इस सीट को जीतेंगे? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी हवा है, पूरे प्रदेश में हवा है, और जैसा मैंने पहले कहा ये जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चाहती है बदलाव, जनता परिवर्तन चाहती है, संविधान बचाना चाहती है। तो इस लड़ाई में सब लोग इकट्ठा होकर जो है इस लड़ाई को लड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ उज्जवल रमन जी, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इलाहाबाद से, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमसे बातचीत की और जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। कैमरा पर्सन राज के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज वन इंडिया।